हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो यार बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो है आपका NIACL की तरफ से, यानी कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो EO है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। ठीक है, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, फीस कितनी मांगी गई है, एज क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स कब कब हैं एग्ज़ाम वगैरह की, सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को मिस ना कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम आपको दी जाएगी। तो यार सबसे पहले वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि आपकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो फीस आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, SC ST और PWD के लिए जो है वो 100 रुपये है, और जो बाकी के हैं ऑल कैंडिडेट्स 750 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन चार्ज, यानी कि सभी चार्जेस को मिलाकर जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो आपकी हो जाएगी 750 और अदर्स के लिए 100 रुपये रखी गई है। इसके बाद देखिए हमने क्या देख लिया है, यहाँ पर हमने जो है फ़ीस की डिटेल देख ली है। इसके बाद हम और भी डिटेल देख लेते हैं, जैसे कि इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले वेकेंसी देख लेते हैं कितनी क्या है। तो देखिए आपको ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरलिस्ट स्केल 1 की जो वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आपको दिख रही होंगी, मैं अभी इसका आपको पूरा जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पर दिखाऊंगा, और वहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न उसी में दिखने वाले हैं। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वहीं से, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो पर, बिल्कुल भी झूठ नहीं है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें वैकेंसी में आपको दिखा देता हूँ। देखिए टोटल जो है 300 वैकेंसी हैं, जिसमें SC की 46 हैं, ST की 22 हैं, और OBC की 81 है, EWS की 30 हैं, और जनरल की 121 है, और बाकी अदर्स के लिए वैकेंसी दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की जो डेट है वो एक तारीख यानी 1 सितंबर से आपकी लिंक एक्टिवेट होगी, जो कि 21 सितंबर तक रहेगी, यानी कि 1 से 21 सितंबर तक आप फॉर्म जो है इसका भर पाएंगे। और जो फेज़ 1 है वो इसका जो होगा अक्टूबर 2021 में होने की संभावना है, और फेज़ 2 नवंबर 2021 में होने की संभावना है। ठीक है, होगा नहीं, ये संभावना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंटेटिव। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते क्या है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपको सैलरी मिलेगी वो कितना क्या मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी हम देख लेते हैं। देखिए बेसिक पे तो आपका रहेगा 32,795 रुपीज़। ठीक है, इसके और यह है स्केल और बन वाले के लिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपको जो टोटल इसका जो मिलेगा ना, वो कुछ 60,000 पर मंथ मिलने वाला है, कुछ ग्रॉस जो भी आपकी जो नेट मतलब काट पीट के जो भी कुछ है वो 60,000 के समथिंग समथिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या मांगी गई है। ठीक है, तो बहुत सैलरी तो जो है बहुत ही बढ़िया है यार इसकी, मतलब 60 से ऊपर ही आपको जो है मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है जो इसको इस वैकेंसी को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा गया है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 30/9/2021 तक आपका जो है ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आपको, या तो ग्रेजुएट हैं आप, यदि ग्रेजुएट हैं तो दे सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी भर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपको डिग्री होना चाहिए कोई सी भी। ठीक है, 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर लिखा है, विद 60% मार्क्स, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 55 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, तो 30/9/2021 तक यानी कि 30 सितंबर 2021 तक आपके पास आपकी डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके पहले की चाहिए आपको, देखिए 39, इसके बाद की नहीं माननी होगी। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं और भी क्या है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा एजुकेशन हो गया। ठीक है, जो सैलरी हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, इसके बाद हम देख लेते हैं एज क्या मांगी गई है। तो आपको एज दिख रही होगी
4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 तक गणना की जाएगी। आप 21 साल के होना चाहिए मिनिमम, और जो मैक्सिमम है वो 30 इयर्स की होनी चाहिए, कब के 1/4/2021 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो जन्म है वो 2 अप्रैल 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। और बाकी जो आपको रिलैक्सेशन दिख ही रहा होगा, SC के लिए 5 और OBC के लिए 3 और जो बोलते हैं PWD वाले उनको 10 ईयर का दिख रहा है, ठीक है। और भी आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद और देख लेते हैं, तो हमने देखिए क्या क्या इसमें डिस्कशन कर लिया। तो हमने वैकेंसी जान ली कितनी है, सैलरी देख चुके हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है ये देख लिया हमने, फीस देख ली, ठीक है, 100, 750, एज देख ली है, ठीक है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30, इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली है यानी कि सितंबर में फॉर्म भरेगा और अक्टूबर नवंबर में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अब रह गया हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, तो उसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन पे लिए चलता हूँ ऑफिशियल पे। तो यार अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे जुड़ी हुई पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखिए डिटेल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इस करके वो पूरा मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट इसी से लिए थे, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कि 30 पेज का है पूरा, ठीक है, टोटल 30 पेज का है, ठीक है। तो हमारा इसमें देख मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया था, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको वैकेंसी दिखा दी थी, इंपॉर्टेंट डेट्स दिखा चुका हूँ मैं, और देख लेते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो है सैलरी और जो एज का था वो दिखा चुका हूँ मैं। इसके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दिखा दिया है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और मैं नीचे लिए चलता हूँ। अभी मैं आपको एग्ज़ाम सिलेबस दिखाने वाला हूँ, एग्ज़ाम सेंटर्स भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, कहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पर, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फेज़ वन, एक मिनट ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए लिखा हुआ है, फेज़ वन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। देखिए तो आपका जो टोटल, देखिए दिस वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, जो फेज़ वन रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो रहेगा वो उसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये है आपका प्री का सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो प्री का है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है, 20 मिनट्स होंगे, बिल्कुल SBI क्लर्क का जो होता है ना आपका, बिल्कुल पैटर्न वही सेम पैटर्न इसमें दिया गया है, ठीक है। रीजनिंग रहेगा 35, क्वांटिटेटिव 35 और 20 20 मिनट, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 मिनट में आपको करना है। और इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 रखी गई है, ठीक है, यानी 1/4 रखी गई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जित 300 वैकेंसी हैं तो उसका 15 गुना जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, लगभग 4,500 के समथिंग, 15-45, ठीक है ना, तो 4,500 के समथिंग यहाँ पर जो है कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद देखिए फेज़ टू होगा आपका जो मेन एग्जामिनेशन है, उसमें देखिए मेन एग्जामिनेशन जो है 200 मार्क्स का होगा आपका, ठीक है, और 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा उसके साथ, उसी दिन होगा डिस्क्रिप्टिव तुरंत, ठीक है, पहले मेन एग्जाम होगा उसी के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मार्क्स का, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा मैं दिखा देता हूँ। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग के द्वारा, यानी कि आपको कंप्यूटर दिया होगा, जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद आपको कंप्यूटर पर ऐसे ऐसे दिया जाएगा, मतलब इस टॉपिक को लेकर आपको ऐसे लिखना, तो आपको कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड होता है कीबोर्ड उस पर जो है आपको टाइप कर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपको ऐसे भी लिखना पड़ेगा और एक आपको लेटर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान लिखा है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा आपका टोटल 2.5 घंटे का होगा, ठीक है, 2.5 घंटे का। इसमें देखिए सिलेबस क्या गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा जिसके 50 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश या हिंदी दोनों में रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा, 40 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस 30 मिनट का होगा, ये इसमें 50 मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन, मैथ में भी 50 क्वेश्चन जो कि 40 मिनट, यानी कि 50 क्वेश्चन प्रत्येक में है, यानी कि 200 आपका टोटल होगा, टाइम आपका 2.5 घंटे हो चुका है। इसके बाद नीचे देखिए इसका डिस्क्रिप्टिव हम देख लेते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में दिखाया 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 30 मिनट्स 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और आपको इसमें क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा देखिए लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की एंड ऐसे 20 मार्क्स का दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बस आपको क्वालिफाई इसे करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये देखिए एक मिनट मैं पढ़ा देता हूँ आपको, यहीं पर कहीं लिखा था, ये देखिए ये लिखा है,
कि डेस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, इन द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। बस खाली क्वालिफाइंग करना है आपको, डेस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा है, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डेस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है, बट द मार्क्स इन डेस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मार्क्स नहीं जुड़े। इसके बाद देखिए पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मैंने आपको बता दिया 1/4 रहेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ 1/4, ठीक है। इसके बाद देखिए फाइनल सेलेक्शन इसके बाद फेज 3 होगा आपका, जो कि आपका होगा इंटरव्यू। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फेज 3 होगा इंटरव्यू, ठीक है। और इसमें आपके 75:25 रहेगा, यानी कि 75 मार्क्स आपके रहेंगे मेंस के और 25:25 रहेगा जो आपका रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। इस तरीके पर आधार पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए मैं दिखाता हूँ फाइनल सिलेक्शन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, फाइनल सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कॉन्सिडरेट मार्क्स ऑफ मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि प्री के आपके जो मार्क्स है वो नहीं जुड़ेंगे, मेंस के जुड़ेंगे एंड इंटरव्यू के जुड़ेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है मेंस और इंटरव्यू के। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ मैं, वेटिंग लिस्ट सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ वेटिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट एक्सीड 50%, यानी कि 50% जो उम्मीदवार हैं उनकी जो है वेटिंग लिस्ट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं इसमें, मैं आपको बता दूँ एग्जाम सिलेबस तो बता दिया मैंने आपको, अब एग्जाम सेंटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया, ये एप्लीकेशन वगैरह फीस वगैरह देखिए एग्जाम सेंटर्स देख लीजिए आप, चलिए, ठीक है। तो एग्जाम सेंटर देखिए फेज़ 1 के लिए टेंटेटिव, तो यहाँ पर देखिए आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रोक लेता हूँ इसको, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पढ़ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपनी स्टेट का, ठीक है। और नीचे करता हूँ मैं, यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नीचे चलेंगे, यहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है। तो मतलब सभी जगह आपको आपकी जो स्टेट है उसमें दिख जाएंगे, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, नीचे ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद फेज़ 2 के जो रहेंगे वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये ले लीजिए। फेज़ 2 के कम रहते हैं सेंटर्स, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। तो फेज़ 2 के भी आपको दिख गए होंगे, ठीक है। तो बस यही यार इस वीडियो में था, आपको आई होप आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप हमारे जो ऑफिशियल दी एग्ज़ाम हेल्पर का एक दी एग्ज़ाम हेल्पर के नाम से जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से आपको इंस्टाग्राम पर एक पेज मिलेगा, उसे आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर तुरंत कर देते हैं, ठीक है। तो यही वीडियो थी, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।